हेलो एवरीवन दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं और ये टॉपिक है डिजिटल अरेस्ट। आज के समय इसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इस वीडियो को मैंने बिना किसी टेक्निकल टर्म के क्रिएट किया है। जब आपके पास ये वीडियो पहुंचे, इसका एक ही मकसद है कि अगर आप इस वीडियो को किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उन लोगों को भी ये चीज़ें समझ में आए। क्योंकि आज के समय जो भी व्यक्ति मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, उसको खतरा है डिजिटल अरेस्ट से। किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट आप लोगों की जान ले सकता है, आपको ऐसी परेशानी में डाल सकता है कि जिससे निकलने में आपको पूरी जिंदगी लग जाए। और यहां तक ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इमेज खराब हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके परिवार का वो सदस्य आपकी नजरों में गिर जाए, या फिर मतलब आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे कि अगर आपके साथ ऐसे हादसे होते हैं। तो आज की इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक ही है, आप लोगों को जागरूक करना और उम्मीद करना आप लोगों से कि जब आप लोग इसके बारे में जाने सुने, तो अगर आपके साथ ऐसी भगवान न करे स्थिति बनती है, तो आप दिमाग से शांति से काम ले। और अगर आपके किसी बच्चे के साथ या फिर आपके किसी भाई बहन के साथ ऐसी घटना घटती है, तो आप उस समय बड़े शांत से चीजों को सुनकर तब रिएक्ट करें और इन चीजों में ना फंसे। तो आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल अरेस्ट। दोस्तों, आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी न्यूज़ आती है कि फलानी जगह पर इतने रुपए ठग लिए गए। और अभी कल की एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ आई, आप इनको देख रहे होंगे। ये एक टीचर थी, इनकी बेटी जो है उनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन इनके पास एक कॉल आता है कि आपकी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है, अगर आपने इतने रुपए नहीं डाले मेरे हमारे बैंक अकाउंट में, तो आपकी बेटी मतलब वही फलाना डेम का जो उनका स्टोरी होती है। और उसके बाद इन्होंने अपने बेटे को कॉल किया, वो पैसे डालने ही वाला था और तब तक इनको हार्ट अटैक आ गया और इनकी डेथ हो चुकी थी। मतलब इस तरीके से उससे भी वर्स्ट सिनेरियो क्या होता है कि हम आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पर अपनी फोटोज वगैरह डाल देते हैं दोस्तों, और जब वो फोटोज वगैरह हमारी जाती है, वहां से हमारी डिटेल्स वगैरह जो ये साइबर क्राइम्स होते हैं वहां से वो कलेक्ट करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, उन फोटोज वगैरह का गलत इस्तेमाल करके आपकी एआई के माध्यम से आपकी फोटो किसी चीज पर लगा दी जाती है, और इस तरीके से लगता है कि आपकी पोर्न वीडियो आई है, आपको पास भेजा जाता है। और उसके बाद इस तरीके से भी काफी लोग उस चीज में फंसते हैं। हम दिक्कत क्या करते हैं कि जिस तरीके से बात करते हैं, आपके पास एक वीडियो कॉल आता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या फिर वैसा कॉल कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ये बड़ा अधिकारी बोल रहा हूँ, और उस तरीके से आपको बड़े आसानी से फंसाने की कोशिश करेंगे कि अगर हम आपका नाम निकाल देंगे, आपको इतने रुपए भेजने होंगे। अगर एक बार कोई पेमेंट करता है तो उसको दोबारा ब्लैकमेल किया जाता है, दोबारा ब्लैकमेल किया जाता है। तो आपको इन चीजों से घबराना नहीं है, और साथ ही साथ अपने माँ बाप को, छोटे बड़े भाइयों को, सबको जागरूक करना है। दिक्कत क्या होती है कि हम क्या करते हैं, कभी कभी ऐसी भी चीजें होती है व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वगैरह पे, कुछ नॉन फ्रेंड्स को अपनी उसमें फेसबुक आईडी में इंस्टाग्राम पर क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, उसके बाद उनसे बात कर लेते हैं, और धीरे धीरे कभी हम हमारा खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। और क्या होता है कि कुछ लोग वीडियो कॉल में लड़कियों से बात करते हैं और उनको लगता है कि वो लड़कियों से रियली बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो लड़कियां कंप्यूटराइज वगैरह या एआई का यूज करके लगता है, और आप लोग को लगता है आप एक्चुअली में उनसे बात कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे आप जब उनसे बात करते हैं, आप अपना फेस दिखाते हैं, उधर से वो आप समझ जाइए, उधर से वो जब आपको कॉल करेगी वो न्यूड हो जाती है, फिर आपकी वीडियो वहां पर उनका स्क्रीन रिकॉर्ड करके वो आपके धमकी देती है, मैं आपके रिश्तेदार के पास ऐसा भेज दूंगी, उसके पास कर दूंगी। तो कहीं ना कहीं सामाजिक दबाव के चलते इंसान घबरा जाता है और वही कर बैठता है जो उनको चाहिए, उनको पैसे भेजने पड़ते हैं। तो आप इन चीजों से आपको घबराना नहीं है, आपको जागरूक करना है। अभी हाल ही में कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि आप लोग कहीं गए हुए हैं, या फिर जैसे पुलिस में हुआ कि आप पुलिस में हैं और आपके घर पर एक कॉल जाएगा आपके मम्मी पापा के पास कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। और जब आपके पास उनके पास कॉल जाएगा, उस समय आपका शायद मोबाइल नंबर वर्क ना कर रहा हो, तो उनसे बोला जाएगा कि हम आपके बेटे को इस हॉस्पिटल में एडमिट कराने हैं, इन लोगों ने इतने रुपए मांगे हैं, और आप उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो आप लोगों को अपने माँ बाप को भी जागरूक करना होगा। कभी कभी ऐसा होता है लड़कियों की फोटोज वगैरह लेकर उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है, फोन्स वगैरह साइट पर उनको डाल दिया जाता है, और उनके घर पर जब वो मैसेज पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि हमारी बेटी ने क्या कर दिया, और उसके साथ आप भी कुछ गलत करते हैं, फिर आपको समाज में शर्मिंदगी से बचने के लिए आप फिर उसमें पैसा डालते। मतलब ये सब फंसाने का एक जरिया है, इससे बचकर रहिए। अगर कभी भी आपके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे
क्या हो कि जिससे आपको लगे कि आपसे कहीं पर पैसे मांग रहे हैं तो आपको फिजिकली ही देने हैं, कभी भी मोबाइल से किसी भी नंबर पर आपको पैसे ट्रांसफर नहीं करने हैं। आप भी अवेयर रहिए, गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनिशिएटिव इसको लेकर चला रही है, आप लोगों को जागरूक करती है। डिजिटल अरेस्ट आज के टाइम में होने वाला एक बहुत ही बड़ा गंभीर अपराध है जो काफी लोगों की जान ले रहा है। लोगों की जिंदगी भर की कमाई हुई जो संपत्ति है उसको कहीं ना कहीं ये छीनने का काम कर रहा है। लोगों को मानसिक तनाव हो जाता है, उनकी इज्जत खतरे में पड़ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसकी जानकारी नहीं होती तो हम गलत कदम उठा लेते हैं। और कुछ लोग, मतलब जैसे आप देखिए, ये जो महिला है, ये एक टीचर थी, इन्होंने सुसाइड कर लिया जब इनको पता लगा कि इनके पास एक कॉल आया कि आपकी बेटी की जो है एक सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है। मतलब एक झटका होता है कि आप सोच के देखिए कहीं ना किस तरीके से इनके मन को क्या हुआ होगा, क्या बीतती होगी उस समय पे, और उनसे पैसा मांगा जाए तुरंत। ठीक है, इसी तरीके से आपका बेटा गिरफ्तार हो गया है, ऐसा फोन आपके पास आ सकता है, आपके पेरेंट्स के पास आ सकता है, या फिर ऐसा कॉल आ सकता है कि आपकी बेटी के हमारे पास कुछ ऐसे फोटोज हैं, ठीक है, हम उनको आपके रिश्तेदारों के पास, आपके परिवार में वहां पर भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और आपको पैसे देने होते हैं। तो आपको इन सब से बच के रहना है, अपने पेरेंट्स को, अपने छोटे भाइयों बहनों को और खुद को भी जागरूक रखना। अगर कभी आप इस बस सिनेरियो में फंसे तो आपको तीन चार चीजें सबसे पहले करनी होगी। आपको जिस भी नंबर से कॉल आ रहा है उसको ब्लॉक करिए, उसकी साइबर कंप्लेन करिए। ठीक है, हो सकता है आपसे वीडियो कॉल पर वो बावर्ती बात करे, आपको ऐसा लगे कि हाँ सच में कोई ऑफिसर बात कर रहा है, वो सब फेक होते हैं। तो आपको इन सब से बच के रहना है, बाकी लोगों को भी जागरूक करना है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी और आप आगे इन चीजों से बचे रहेंगे और बाकी लोगों को भी जागरूक करेंगे। वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि बाकी लोग भी इस बारे में समझे, जाने कि डिजिटल अरेस्ट किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे हड़पे जाते हैं, उनको इज्जत, समाज में इज्जत का डर दिखाया जाता है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां हम ही कर बैठते हैं जिसकी वजह से वो इन चीजों का फायदा उठा रहे हैं। किसी भी अननोन फ्रेंड की, जिसको आप नहीं जानते, उस पर वीडियो कॉल पर बात ना करें, कोई भी अपनी इमेज ना भेजे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन पर फोटो डालने से बचे। ठीक है, आप या फिर डालते हैं तो अपने प्रोफाइल को लॉक कर कर रखे, अपने प्रोफाइल को लॉक करके रखे, कोई भी अननोन पर्सन आपके फोटोज वगैरह ना देख पाए। वीडियोज वगैरह बहुत कम से कम आप इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पर डालें। बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर के चलते ये बाकी लोगों से सोचते हैं कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बना लेता हूँ, मैं अपनी वीडियोज डाल देता हूँ, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए, पूरे भारत में 1% से भी कम लोग होंगे जो फेमस हैं, बाकी लोग सिर्फ उन्हें देख रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और इस जो ये नया, मतलब एक तरीके से नई दुनिया बन रही है, उसमें फंस कर रह जाते हैं और फिर एज निकल जाती है, आप सब समझते हैं यही एज होती है कुछ करने गुजरने की। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आएंगी और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, और हमेशा खुद को भी अलर्ट रखेंगे, घर वालों को भी समझा के रखेंगे और इन सारी चीजों से बचे रहेंगे। धन्यवाद।